राजधानी देहरादून में अप्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी सेल का गठन किया है जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम के दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए अलग से सेल बनाने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग उत्तराखंड से अन्य देशों में गए हैं वह उन्होंने अनेकों क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल की है, लेकिन अब उत्तराखंड अपने जन्मभूमि पर वापस आना चाहते हैं और फिर से काम करना चाहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वह सीधे तौर पर हमारे साथ में कनेक्ट हो सके, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उनके लिए अप्रवासी सेल का गठन किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अप्रवासी भारतीयों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ, राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। धन्यवाद।